दो तरह के सेल पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था वायरस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और माइकोप्लाज्मा का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको। मैंने आपको बताया था बेटा कि माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग न्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, याद करिए, न्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, बिकॉज दे आर चेंज इटसेल्फ एंड साइज। कहते बेटा कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो हमारे बॉडी में इम्पोटेंसी काज करता है, आंसर आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। फिर मैंने आपको बताया था वायरस, वायरस को हम लोग कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, किसी किसके बीच लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर कनेक्टिव लिंक की बात मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में भी बताया था, माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस जो कई बार पूछा जा चुका है, बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि वायरस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस डिस्कवर्ड बाई आइबोनोस्की, वायरस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, आइबोनोस्की ने डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में किसने कन्वर्ट किया था, डब्ल्यू एम स्टैनले सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, डब्ल्यू एम स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एम स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्या किया था बेटा, क्रिस्टलाइज किया था। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि वायरस को ही हम लोग कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, किसके किसके बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज दे आर सोच बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स को सोच करता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट वायरस में ज्यादातर बेटा क्या होता है, डीएनए होता है कि आरएनए होता है, प्लांट वायरस में ज्यादातर आरएनए होता है और एनिमल वायरस में ज्यादातर डीएनए होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, याद रखना, पूछा जाता है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट फॉलो सेल थ्योरी, आंसर विल बी वायरस। और वायरस याद रखना, वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। फिर बेटा कहते हैं अगर कोई फ्रेश वायरस जो है हमारे फ्रेश सेल के ऊपर अटैक करता है तो टारगेट सेल या नेबरिंग सेल किस केमिकल का सेक्रेशन करता है, इंटरफेरॉन केमिकल का सेक्रेशन करता है। और यह केमिकल क्या करता है बेटा, वायरस के फंक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। तो इंटरफेरॉन आज के जो साइंटिस्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी बना करके और वायरस से अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसे बनाया जा रहा है। इंटरफेरॉन इसके द्वारा रिलीज होता है बेटा, टारगेट सेल के द्वारा, किसके द्वारा रिलीज होता है, टारगेट सेल के द्वारा, जो कई बार एनडीए में भी पूछा जा चुका है और नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं दो तरह के सेल पाए जाते हैं, कौन कौन सा सेल पाए जाते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।
तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले डेवलप हुआ था प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। देखिए पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है, सभी लोग पढ़े भी होंगे जानते भी हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, एक बार देख लिया जाए। प्रोकैरियोटिक सेल अनडेवलप सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल डेवलप सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल नॉट कंटेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकांड्रिया, गॉल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं और इसमें सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बेटा, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, मीजोजोम्स के थ्रू। मीजोजोम्स इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, माइटोकांड्रिया के थ्रू होता है, माइटोकांड्रिया के थ्रू। फिर बेटा पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए होता है, और इस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डीएनए को हम लोग जो है न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और इसमें मोर देन वन डीएनए पाया जाता है, मोर देन वन डीएनए पाया जाता है और लीनियरली अरेंज होते हैं। आइए देखते हैं, आप थोड़ा सा एक एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। इट इज ए अनडेवलप्ड सेल, अनडेवलप्ड सेल, और ये क्या है, इट इज ए डेवलप्ड सेल सेल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन आर एब्सेंट एब्सेंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो 70s टाइप राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, 70s टाइप राइबोसोम इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट। जो बेटा 70s टाइप में दो सब यूनिट होता है, कौन कौन सा, 30s एंड 50s। 30s स्मॉलर यूनिट है और 50s लार्जर यूनिट है, और दोनों यूनिट किस मेटल आयन से टेम्पोरी रूप से अटैच होते हैं, मैग्नीशियम मेटल आयन से, मैग्नीशियम Mg++ से टेम्पोरी बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं अटैच होते हैं। फिर बेटा यहाँ पे पूछा जाए किस प्रकार का राइबोसोम्स, किस प्रकार का राइबोसोम्स, 80s type ribosomes are present, 80s type ribosomes are present। और बेटा इसलिए अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्मॉलर यूनिट
40s होता है और इसकी लार्जर यूनिट 60s होता है, और दोनों यूनिट किससे जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम मेटल से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा 70s का राइबोसोम सॉरी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री और एंजाइम फैक्ट्री, बिकॉज ऑल एंजाइम इज प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन इज नॉट एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं, कहते बेटा जो है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। इट इज नॉट कंटेन, नॉट कंटेन कंटेन माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया गॉल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या होता है, they are present। फिर आपसे पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन मीजोसोम्स के थ्रू। यहाँ पे रेस्पिरेशन आपका थ्रू मीजोसोम्स, रेस्पिरेशन आकर्ष थ्रू मीजोसोम्स। इसमें रेस्पिरेशन आकर्ष थ्रू माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट कहते बेटा इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है, सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और इसी डीएनए को हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ये स्केटर्ड डीएनए पाया जाता है, और इसी डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोकोड, दोनों के नाम से एनडीए में और नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डीएनए वन मॉलिक्यूल, सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। बेटा जो है सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, दैट टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज जीनोफोर आर न्यूक्लियोइड। लिख लीजिएगा जीनोफोर आर न्यूक्लियोइड। तो बेटा जो है बैक्टीरिया के जीनोम को हम लोग जो है जीनोफोर भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसमें मोर देन वन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, और कैसे सिचुएट होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियरली ऑर्डर में अरेंज होता है, मोर देन टू डीएनए मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन द लीनियर ऑर्डर ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स, इन द लीनियर ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम, नोट कर लीजिएगा, ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर बेटा जो है प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इनकम्प्लीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कम्प्लीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंप्लीट कंप्लीट होता है। फिर इसके एग्जांपल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल देखिए, ऑल बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा ऑल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इज एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, अगर इनको छोड़ दिया जाए, जितने भी सेल हैं लिविंग बीइंग के सब क्या है भैया, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस, थ्री किंगडम सिस्टम हैकल ने दिया था, फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम हिटेकर ने दिया था, याद होना चाहिए बिल्कुल टंग ट्विस्ट पे। चलिए नेक्स्ट कहते बेटा इसके एग्जांपल क्या है, इनको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे किसके एग्जांपल है, हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल है, लिविंग बीइंग जितने भी दिखाई दे रहे हैं सबके सब किसके एग्जांपल है बेटा, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल के, एक्सेप्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल अदर सेल इज एग्जांपल ऑफ इसी एग्जांपल हो जाएंगे, यूकैरियोटिक एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से बेटा जो है एनडीए में भी क्वेश्चंस आते हैं और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। रफ किया जाए
फिर आता है नेक्स्ट डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, जो बेसिक चीजें हैं लिखेगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल बड़े यहाँ पे प्लांट सेल यहाँ पे एनिमल सेल बड़े एक बार सुन लो कहानी। कहते हैं कि प्लांट सेल कंटेन सेलुलोजिक सेल वॉल, और ये कई बार जो है एनडीए में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल नॉट कंटेन सेल वॉल, और सेल वॉल किसका बना होता है बेटा, सेलुलोज का बना होता है। व्हाट इज द सेलुलोज, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इसका पॉलीमर होता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि फंगी की जो बॉडी होती है, फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है बेटा,